हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो हम फिर जो है ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एफ इज इक्वल टू आर आर इज टू वन, वन प्लस कॉस थीटा कॉस टू आर प्लस वन थीटा इज इक्वल टू साइन एन थीटा, वेयर एन बिलोंग्स टू एन, एन जो है एन को बिलोंग्स कर रहा है, इसका जो है इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी है इसकी वैल्यू निकाल लिया। अब देखो गिवन है ये आर इज इक्वल टू वन इंटू एन, वन प्लस कोस थीटा प्लस कॉस टू आर प्लस वन इंटू थीटा, ये गिवन है। इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा लिया, क्या है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो क्या लगा है आर इंटू वन, वन अपॉन कॉस थीटा प्लस टू आर प्लस वन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा माइनस टू आर प्लस वन थीटा अपॉन टू आर, आर इक्वल टू वन टू एन, ये क्या आ गया वन अपॉन कॉस थीटा प्लस थीटा, क्या आ गया टू थीटा प्लस टू आर अपॉन टू कॉस, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे थीटा माइनस टू आर माइनस थीटा, थीटा से थीटा जाएगा कॉस माइनस टू आर अपॉन टू। अब क्या आ गया लिमिट आर टू वन टू एन, ये क्या आ गया वन अपॉन कॉस थीटा प्लस आर, कॉस थीटा प्लस आर, ये क्या आ गया कॉस थीटा, ये कॉस माइनस आर, कॉस माइनस आर कॉस माइनस थीटा का इक्वल होता है कॉस थीटा के, क्या आ गया आर इक्वल टू वन टू एन कॉस थीटा प्लस आर कॉस आर, अब क्या करा इसमें से दोनों में से साइन थीटा की जो है ऊपर नीचे क्या कर देता हूँ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ कॉस साइन थीटा की ऊपर नीचे दोनों में से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आ गया है कॉस सीमन टू कॉस भी आएगा यहाँ, ये टू आएगा यहाँ। अब इसकी साइन थीटा से
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये साइन थीटा तो मुझे चाहिए चाह रहा है, तो क्या गया 1/2 sin theta r इक्वल टू 1 to n, ये क्या आ गया साइन थीटा है, क्या है ये साइन थीटा। साइन थीटा को क्या कर देता हूँ मैं, अगर इसे थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ r प्लस 1 थीटा माइनस थीटा, यानी कि r थीटा प्लस थीटा माइनस के थीटा, इस थीटा से थीटा जाएगा क्या आ गया आर थीटा, क्या आ गया आर प्लस 1 थीटा इक्वल टू क्या आ गया माइनस के थीटा। अच्छा अभी आर थीटा लेकिन ये चाहता क्या है यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे आर थीटा कर लू, क्या कर लू आर, इससे चला जाएगा ये का खाली थीटा, क्या जाएगा ये थीटा, इसको क्या कर सकता हूँ साइन आर प्लस 1 थीटा माइनस आर, नीचे क्या आएगा कॉस थीटा प्लस आर कॉस, ठीक है। अब इसका क्या कर लूंगा, मेरा फॉर्मूला लगा दूंगा साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या जाएगा, ये साइन ए माइनस बी क्या जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस थीटा प्लस आर कॉस आर टू, याद बात सुनाओगे यहाँ माइनस, इसको अलग अलग कर लूंगा मैं, जब इसके ऊपर ये आएगा इस कोस आर थीटा से आ गया मैं। अब इसको मैं अलग अलग कर लूंगा, क्या कर लूंगा इसको मैं अलग अलग कर लूंगा, यहाँ भी एक थीटा है 2r थीटा, तो यहाँ भी क्या गया थीटा है, क्या गया ये थीटा दोनों मल्टीप्लाई है ना, ये 2r थीटा, क्या गया ये 2 cos, हाँ ये 2 cos 2 थीटा प्लस 2r थीटा, ये क्या गया r थीटा, यानी कि यह आ गया
ये क्या आ गया ये, अब इसको अलग अलग कर लूँगा, क्या आ गया ये साइन आर प्लस वन थीटा कॉस आर थीटा माइनस वन कॉस आर प्लस वन थीटा कॉस आर थीटा माइनस कॉस आर प्लस वन थीटा कॉस आर प्लस वन थीटा साइन आर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस आर थीटा इंटू कॉस आर कॉस, अब कॉस आर थीटा कॉस आर थीटा क्या बचेगा जगह टेन आर प्लस वन थीटा माइनस कॉट कोस ही है, इससे जाएगा माइनस टेन आर थीटा वन अपॉन साइन टू थीटा वन अपॉन टू साइन थीटा आ गया। आ गया, अब इसको क्या करूँगा, फिर मैं इसको साइन को फिर बदल लूंगा, क्या आ जाएगा ये साइन आर प्लस वन अपॉन थीटा अपॉन कोस आर प्लस वन थीटा और आर की वैल्यू कहाँ है, आर की वैल्यू है वन टू एन, तो डायरेक्ट लिखोगे अगर वन टू एन लिखोगे क्या लिखेंगे साइन एन प्लस वन थीटा अपॉन कॉस एन प्लस वन थीटा माइनस साइन एन थीटा अपॉन, ये क्या हो गया साइन, अब इसकी एलसीएम ले लूँगा, एलसीएम लेके क्या आ जाएगा ये क्या आ जाएगा उसका एलसीएम साइन ए कॉस बी माइनस कॉस कॉस ए साइन बी, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा साइन एन प्लस वन थीटा माइनस एन थीटा माइनस एन थीटा, तो एन थीटा प्लस थीटा माइनस एन थीटा, थीटा से थीटा जाएगा क्या आ गया साइन थीटा, क्या आ जाएगा ये साइन थीटा रहेगा, यानी इसके एलसीएम लेके ये कर लूँगा तो क्या आ जाएगा ये साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी साइन ए माइनस बी, तो साइन एन थीटा क्या आ जाएगा ये साइन एन थीटा, साइन एन थीटा टू साइन थीटा कोस एन प्लस कोस थीटा, ये इसका आंसर है। अब आगे है भैया, हम क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल
रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल, ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल। जैसे अगर कोस टू ए इक्वल टू क्या है, कोस टू के फॉर्मूले क्या होता है, कोस ए प्लस ए भी कह सकता हूँ इसे, या टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या वन टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन, या वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, ये कह सकता हूँ कोस टू ए बराबर ये। और साइन स्क्वायर ए यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, जिसके साथ जिसको कोस टू ए बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, इसे धर लिया टू साइन स्क्वायर ए बराबर वन माइनस कोस टू ए, साइन स्क्वायर ए बराबर वन बाई टू वन माइनस कोस टू ए, क्या आएगा साइन स्क्वायर ए बराबर वन बाई टू वन माइनस कोस टू ए, वन माइनस कोस टू ए, और इसी तरह कोस स्क्वायर ए बराबर वन बाई टू वन प्लस कोस टू ए दिया जाएगा। साइन टू ए का फॉर्मूला क्या रहता है, टू साइन ए कोस बी, साइन टू ए टू साइन ए तो पता ही होगा, टेन टू ए का क्या जाएगा, टेन टू ए टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन टू एक्वल टू टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए, और साइन टू ए इक्वल टू टू साइन ए कोस ए, साइन थ्री इक्वल टू थ्री साइन ए माइनस फोर साइन का क्यू ए, कोस थ्री ए इक्वल टू कोस थ्री ए इक्वल टू चार कोस क्यू ए माइनस थ्री चार कोस क्यू ए माइनस थ्री कोस ए, चार कोस क्यू ए माइनस थ्री कोस ए, और इसका अगर साइन क्यू एगा टू टेन ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये होता है साइन टू ए इक्वल टू टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, और कॉस टू ए क्या है इक्वल होता है वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन टू ए के ये फॉर्मूले हो गए, और एक और होता है टेन स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, एक होता है टेन थ्री ए, एक क्या होता है टेन थ्री ए इक्वल टू थ्री टेन ए माइनस टेन का क्यूब ए अपॉन वन माइनस थ्री टेन का स्क्वायर ए, टेन थ्री टेन ए माइनस टेन का क्यूब ए वन माइनस थ्री टेन का स्क्वायर ए। अब कोट थ्री ए क्या जाएगा,
थ्री कोट स्क्वायर ए माइनस वन जाएगा कोट क्यू ए माइनस थ्री कोट ए कोट क्यू ए माइनस थ्री कोट ए इधर क्या जाएगा कोट स्क्वायर ए माइनस थ्री क्या जाएगा ये थ्री कोट स्क्वायर ए माइनस वन कोट थ्री ए इक्वल टू क्या जाएगा कोट क्यू ए माइनस थ्री कोट ए कोट क्यू ए माइनस थ्री कोट ए जाएगा थ्री कोट स्क्वायर ए माइनस वन ये इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं इन्हें जो है याद कर लेंगे क्या है ये इन्हें जो है याद करना है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल ठीक है इन्हें उतार भी लेना इनको याद भी कर लेना ठीक है ये बीच बीच में इम्पोर्टेंट है लगते रहते हैं ठीक अब आगे एक और फॉर्मूला टेन ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू ए टेन ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री इक्वल टू टेन ए वन क्या आएगा एस वन माइनस एस थ्री प्लस एस फाइव माइनस एस सेवन एंड सोन अपॉन वन माइनस एच टू वन माइनस एच टू प्लस एच फोर माइनस एच सिक्स प्लस एच एट एंड सोन ये फॉर्मूला होता है कि टेन वन माइनस एच टू प्लस एच फोर माइनस एच सिक्स प्लस एच एट एच वन होता क्या है एस वन क्या होता है एस वन इज इक्वल टू टेन ए वन प्लस टेन ए टू प्लस टेन ए थ्री एंड सो सम ऑफ द सिंगल टेंजेंट सम ऑफ द सिंगल टेंजेंट सम ऑफ द सम ऑफ द सेपरेट या सम ऑफ द सिंगल टेंजेंट सम ऑफ द सम ऑफ द सेपरेट टेंजेंट एच टू क्या आ गया ये सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू टेंजेंट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू टेंजेंट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू टेंजेंट
S3 क्या आ गया, सम ऑफ द थ्री टेंजेंट, सम ऑफ द सम ऑफ द थ्री टेंजेंट, सम ऑफ द थ्री टेंजेंट सम ऑफ द थ्री टेंजेंट, सम ऑफ द सिंगल टेंजेंट एस वन, सम ऑफ द सेपरेट टेंजेंट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू टेंजेंट, सम ऑफ द थ्री टेंजेंट, सम ऑफ द सम द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ थ्री टेंजेंट। सिमिलरली आ जाता है इफ, अगर क्या आ जाएगा, इफ ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू ए थ्री इज इक्वल टू ए एन, ये सारे इक्वल हो जाए, ए वन इज इक्वल टू ए टू ए थ्री क्या जाएंगे सारे एन हो जाएंगे, एस वन क्या आ जाएगा एन टेन ए, एस वन क्या जाएगा एन टेन ए, जितने भी होंगे उनका एस वन एन टेन ए, एस टू क्या जाएगा एन सी टू टेन स्क्वायर ए, एस टू क्या जाएगा एन सी टू टेन स्क्वायर ए, एस थ्री क्या जाएगा एन सी थ्री टेन क्यूब ए, एन सी थ्री क्या जाएगा टेन क्यूब ए, एंड सो देखो ये क्या है, कोई जो कोई एंगल है एन तक के फंक्शन है टेन ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन के, क्या सम होगा एस वन माइनस एस थ्री प्लस एस फाइव माइनस एस वन एंड सोन, ये वन माइनस एस टू प्लस एस फोर माइनस एस सिक्स प्लस एंड सोन। अगर ये क्या जाए एस वन क्या होगा सिंगल ऑफ सम या सेपरेट टेंजेंट, एस वन टेन ए वन टेन ए टू टेन ए थ्री, एस टू क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ टू टेंजेंट टेन ए वन टेन ए टू टेन ए थ्री टेन ए वन, इस तरह के जो आ जाएगा। अच्छा एस थ्री क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ थ्री टेंजेंट एंड देयर सम एंड देयर सम, तो टेन ए वन टेन ए टू टेन ए थ्री एंड सो ऑन। इफ ए वन, इफ ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू ए थ्री अप टू ए एन, देन एस वन इज इक्वल टू एन टेन ए, एस टू इज इक्वल टू एन सी टू टेन स्क्वायर ए, एस थ्री इज इक्वल टू एन सी थ्री टेन क्यू ए। ठीक है भाई, ये अगर कहीं इस्तेमाल होता है इसका जो है यूज करना है। आगे देखते हैं भैया, लेट एफ एक्स इक्वल टू, लेट एफ एक्स इक्वल टू टू कोसेक टू एक्स प्लस सेक एक्स, टू कोसेक टू एक्स प्लस सेक एक्स प्लस कोसेक कोसेक एक्स सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स
then find the maximum value of fx, then find the maximum value of fx if fx is equal to cosec x plus sec x plus cosec x, then the find the value of fx for all x belongs to for all x belongs to 0 to 5. इसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ये क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू 2 कोसेक 2x प्लस सेक एक्स प्लस कोसेक, ये दे रखा है, क्या दे रखा है, ये दे रखा है। अब देखो इसको क्या करा मैंने, इसको sec x और cosec x को इस तरह लिख सकता हूं मैं, इसको sec x और cosec x को मैक्सिमम वैल्यू से रूट स्क्वायर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं मैं, इसका स्क्वायर से रूट, ये कर दिया, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्या चाहिए, क्या आएगा यहाँ, प्लस के टू ए बी, प्लस के टू ए बी, अगर माइनस का करना हो तो क्या आएगा, माइनस का टू ए बी। अच्छा अब यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, अब यहाँ से क्या आना चाहिए, टू सेक एक्स, ये भी आना चाहिए, ये अगर यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस करना चाहिए, यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस करना चाहिए, यानी इतने ही जोड़ दूंगा, इतने ही यही इतने ही जोड़ दिया, इतना ही घटा दिया, ऐड कर दो, इतने ही क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो अगर मुझे यहाँ ये प्लस का लेना है तो यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर, अगर माइनस का लूँ तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ठीक इसे क्या कर सकता हूँ मैं, टू कोसेक एक्स टू कोसेक टू एक्स प्लस रूट सेक एक्स का स्क्वायर प्लस रूट कोसेक एक्स का स्क्वायर प्लस टू सेक एक्स कोसेक एक्स माइनस टू सेक एक्स। अब क्या करा मैंने, क्या ये टू कोसेक एक्स को जुड़ गई तुम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये लिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का sec x को क्या कर लूंगा, वन अपॉन cos root x और वन अपॉन cos x को sin root x, ठीक है। अब मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है, sin 2a 2 sin a cos b, इसलिए रूट टू से ऊपर नीचे क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये क्या देगा 2 cos x
ये क्या आ गया साइन 2x, साइन 2x और ऊपर जाए क्या आ जाएगा ये cos x क्या जाएगा ये 2 cos x 2x नीचे क्या जाएगा साइन टू एक्स रूट रूट साइन टू एक्स पे क्या जाएगा ऊपर कोसेक टू एक्स आ जाएगा कोसेक टू एक्स प्लस कोसेक एक्स माइनस सेक एक्स की रूट टू स्क्वायर प्लस टू रूट टू कोसेक टू एक्स इसकी वैल्यू लेनी है कहाँ तक वैल्यू ले लेनी थी ये लेनी थी एफ बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाई टू की अब इसकी वैल्यू कहाँ होगी मैक्सिमम जीरो टू पाई बाई की पाई बाई टू की भी कहाँ होगी टेबल से भी देखते हैं कोसेक और सेक में पाई बाई फोर पर होती है क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है रूट टू होती है कोसेक और सेक की जीरो टू पाई बाई फोर की जीरो टू पाई बाई टू के बीच मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है पाई बाई फोर पे होती है क्या होती है पाई बाई फोर पे अब ये सारा इफेक्ट इक्वल चलाई आ रहा है अब लिखेंगे एफ एक्स मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर इस पाई बाई फोर पे ये क्या गया टू कोसेक पाई बाई टू ये कोसेक एक्स माइनस सेक एक्स पाई बाई टू क्या आ गया ये तो जीरो आ गया अच्छा ये गया टू कोसेक पाई बाई टू टू कोसेक पाई बाई टू क्या आ गया कोसेक पाई बाई टू वैल्यू कितनी होती है वन तो क्या आ गया टू क्या आ गया टू और कोसेक टू एक्स की वैल्यू यहाँ यहाँ से क्या आ गई वन तो क्या आ गया टू प्लस टू रूट टू दोनों दो कॉमन ले लिया क्या आ गया वन प्लस टू मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी कि टू वन प्लस रूट टू जाएगी तो मैक्सिमम वैल्यू टू इंटू वन प्लस रूट टू देखो क्या क्वेश्चन है ये एफ एक्स इक्वल टू टू कोसेक एक्स सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स ये जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाई टू जीरो और पाई बाई टू के बीच लाइक करता है तो क्या आ गया टू कोसेक टू एक्स प्लस सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स ये आ गया भैया इसको क्या करा अब इसको रूट सेक एक्स का स्क्वायर ये रूट कोसेक एक्स का स्क्वायर बना दिया बनाने के लिए क्या करा माइनस प्लस टू सेक एक्स कोसेक एक्स रूट सेक एक्स कोसेक को कर दिया और इसके स्क्वायर में क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ठीक है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस रूट सेक एक्स रूट का इससे कट जाएगा क्या आ गया टू आ गया ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं ठीक अब क्या करा मैंने नहीं नहीं सॉरी या सेक एक्स क्या आ गया कोस एक्स और कोस एक्स क्या साइन एक्स ये आ गया रूट टू रूट साइन एक्स कोस एक्स बनाने के लिए साइन टू एक्स बनाने के लिए रूट टू होना चाहिए तो रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया ये रूट टू साइन एक्स कोस एक्स टू साइन एक्स कोस एक्स क्या आ गया रूट साइन टू एक्स से क्या आ जाएगा कोसेक टू एक्स आ गया कोसेक टू एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी किसकी वैल्यू अब x इक्वल टू पाई बाई फोर पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम होगी कोसेक जब ये रखूँगा ये तो क्या आ जाएगी ये तो जीरो आ जाएगी कोसेक x और सेक x पे पाई बाई फोर पे दोनों की वैल्यू क्या होती है सेम है तो माइनस क्या ख़त्म ये क्या आ जाएगा कोसेक पाई बाई टू कोसेक पाई बाई टू वैल्यू क्या होती है वन यहाँ भी पाई बाई टू तो टू प्लस टू रूट टू दो दोनों कॉमन क्या आ गया वन प्लस रूट टू दैट इज मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वन प्लस रूट टू आ गई
अब क्या देखो नया क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू टू प्लस टू, टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू कोस एट थीटा। इनकी वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की, क्या निकालनी है इसकी वैल्यू निकालनी है, टू प्लस टू कोस एट थीटा। रूट टू फिर रूट टू फिर ये रूट टू, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब मैं क्या करूँ इसको 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 सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, क्या करता हूँ मैं देखो ये भी जू करता हूँ, ये भी जू करता हूँ, ये भी जू करता हूँ, वन प्लस कोस थीटा कहने के इक्वल होता है वन प्लस वन प्लस टू कोस स्क्वायर फोर थीटा माइनस वन, टू कोस स्क्वायर फोर थीटा, टू कोस स्क्वायर इन दोनों से क्या गए टू कोस फोर थीटा, क्या गया अंदर टू प्लस कोस फोर थीटा ये, फिर इन दोनों से क्या कॉमन ले लूँ दो कॉमन ले लूँगा, इन दोनों से क्या ले गए अगेन तो क्या गए वन प्लस कोस फोर थीटा है टू कोस स्क्वायर टू थीटा माइनस वन, तो क्या आ गया टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्या आ गया ले लिया क्या गया टू प्लस टू कोस स्क्वायर टू थीटा कोस टू थीटा, इन दोनों दो कॉमन ले लिया तो क्या गया वन प्लस कोस टू थीटा, ये क्या वन प्लस क्वेश्चन है कि फाइंड वैल्यू, फाइंड इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी है रूट टू रूट टू। अब मैंने क्या कहा इन्हें दोनों को लिया, इसका वही है एंगल कोस टू थीटा इक्वल टू टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, अब इसका ये क्या आ जाएगा टू कोस स्क्वायर फोर थीटा माइनस वन, माइनस वन से
माइनस वन टू इंटू टू कोस क्या है फोर थीटा, इवन क्या आ गया चार कोस क्या है फोर थीटा, टू क्या आ गया चार कोस क्या है फोर थीटा, ये इसका स्क्वायर रूट लेके क्या आ गया टू कोस फोर थीटा, टू कोस फोर थीटा। अब कोस फिर दोनों दो वन प्लस कोस फोर थीटा, कोस फोर थीटा की वैल्यू निकाल ली मेरे भाई क्या आ गया टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, फिर इनके क्या मैं चार कोस क्या टू थीटा, टू कोस टू थीटा आ गया, इन दोनों दो घुमा लेकर फिर सामने लगा गया दैट इज टू कोस थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ गई टू कोस टू थीटा। अब अभी क्वेश्चन एक और देखते हैं, क्वेश्चन है देखो साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए, इसकी वैल्यू ए है कोस अल्फा कोस बीटा की वैल्यू बी है, ये पहली है, ये दूसरी इक्वेशन है, इन्हें दोनों क्या करना क्या करता हूँ इन दोनों इक्वेशन में क्या कर लिया स्क्वायरिंग एंड एडिंग, क्या कर लिया स्क्वायरिंग एंड एडिंग बाय फर्स्ट एंड टू, तो क्या गए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस टू साइन अल्फा बीटा, तो क्या गया प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस टू कोस अल्फा कोस बीटा बराबर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी, इसकी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई वन, प्लस साइन स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या आ गई वन, प्लस इन दोनों दो कॉमन ले रहे क्या आ गया साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कोस अल्फा कोस बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वन, वन क्या आ गया टू प्लस टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, यहाँ का फॉर्मूला बन गया है कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको दो को इधर लिया होगा ये माइनस आ जाएगा क्या आ गया कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू, और ये टू है ये इसके नीचे चलेगा क्योंकि कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या गए और निकालना है मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा माइनस बीटा की बाई टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन माइनस टेन अल्फा माइनस बीटा कोस टू, अब यहाँ से टेन अल्फा माइनस बीटा टू की वैल्यू क्या आ जाएगी वन माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा अपॉन वन प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा, क्या आ जाएगी वन माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा
वन प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब इसकी वैल्यू रख दूंगा मैं, ये क्या आ जाएगी वन प्लस, यहाँ से क्या आ जाएगी वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू अपॉन टू, ये क्या आ जाएगी वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू अपॉन टू। ये क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू टू का टू, टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू, इधर क्या आ गई इसकी वैल्यू अपॉन टू, ये क्या आ जाएगी टू प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू अपॉन टू। ये टू 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 क्या आ गए फोर आ गए, क्या आ गए टू टू क्या आ गए फोर आ गए, टू टू क्या आ गए फोर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस टू से ये टू गया, इस टू से ये टू गया, नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट बराबर टैन अल्फा माइनस बीटा अपॉन फोर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। देखो क्या क्वेश्चन था, इधर का साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू ए दे रखी, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा की वैल्यू क्या देखी बी दे रखी, इन्हें दोनों को क्या कर लिया स्क्वायर करके अच्छे टेन अल्फा माइनस बीटा बाई टू की वैल्यू निकाल ली, कई रखा इन्हें दोनों क्वेश्चन को पहले स्क्वायर करा कि दोनों क्या कर दिया ऐड, इसका ये कर दिया या आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, ये कॉमन आ गया, ये वन प्लस वन आ गया इन दोनों में से, और इन दोनों में से क्या कर लिया वन कॉमन टू कॉमन ले लिया, तो साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा कोस बीटा आ गया, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, ठीक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के टू, ये टू इसके हाफ आ जाने से क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू। अब मुझे निकालनी है वैल्यू टेन अल्फा माइनस बीटा, अभी बताया था टेन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ वन माइनस कोस अल्फा कौन वन प्लस कोस अल्फा, टेन स्क्वायर अल्फा बताया था ना ये टेन वन माइनस कोस ए वन प्लस कोस ए, तो इस तरह ये आ गया वन माइनस कोस अल्फा माइनस इनकी वैल्यू रख दी उनको सोल्व कर दिया तो क्या आ गया फोर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब निकाल लिया हम ये वैल्यू, ये वैल्यू कोस ए कोस टू ए, ये वैल्यू कोस ए कोस टू ए कोस थ्री ए कोस फोर ए अप टू कोस नाइन्टी नाइन ए वेयर 99 ए
999 वेयर ए इक्वल टू, यानी कि ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है, 2π/ वेयर ए इक्वल टू 2π। देखो एक क्वेश्चन है ये कि वेयर फाइंड ई वैल्यू कोस ए, कोस टू ए, कोस थ्री ए, कोस फोर ए, कोस 999 वेयर ए इक्वल टू 2π/199। अच्छा सवाल है, देखो ट्रिकी सवाल है, इस तरह है, लेट P इक्वल टू कॉस ए, कॉस टू ए, कॉस थ्री ए, कॉस फोर ए, अब टू कॉस 999। एक P की वैल्यू है, कितनी की वैल्यू है, ये P की वैल्यू है। सिमिलरली Q की वैल्यू क्या है, ये साइन मान लिया, मान लिया दोनों की वैल्यू ये है। अगर मैं P और Q की क्या कर दूं, मैं वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता हूं, P और Q की वैल्यू को क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई, P मल्टीप्लाई क्यू। तो क्या आ गया, ये साइन ए कोस ए, साइन टू ए कोस टू ए, साइन थ्री ए कोस थ्री ए, अब टू साइन 999 ए कोस 999 ए। ना तो वापस क्या करा मैंने, अब ये भी और ये भी, ये सारे फंक्शन हैं 999 तक के, लेकिन इससे पहले क्या कर रहा है, देखो ये साइन है कोस है, साइन टू है कोस टू, साइन थ्री है, अगर इसमें भी यहाँ से भी दो की मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ से भी, इसमें भी, इसमें भी, कब कब तक के, 999 तक के। अब यहाँ टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू टू पावर 299 को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करके, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, टू साइन ए कोस ए, टू साइन टू ए कोस टू ए, टू साइन थ्री ए कोस थ्री ए, एंड टू साइन 99 ए कोस 99। अब ये क्या आ गया, ये आ गया साइन टू ए, ये आ गया साइन फोर ए, साइन टू ए, साइन फोर ए, फिर क्या आ गया साइन सिक्स ए एंड सो ऑन, तो क्या साइन इसे टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टू नाइन, टू नाइन बाई एट, ठीक है। अब मुझे चाहता है यहाँ तक के, यहाँ तक के मुझे चाहता है सिर्फ 999, क्या चाहता है, मुझे चाहता है
999 तक के जाता है। क्या जाता है मुझे 990। अब देखो क्या कर दिया मैंने, साइन 2a साइन 4a साइन 6a अब टू साइन 998a, इसके बाद क्या आएगा साइन 1000a, फिर साइन 1002a, अब तो वहाँ तक चलेगा साइन 998 तक के चलेगा, वहाँ तक चलेगा ये साइन, यहाँ तक आएगा ये यहाँ तक चलेगा। अब देखो ये है साइन 1000a, क्या है ये साइन 1000a है, इसको क्या कर सकता हूँ मैं साइन 2π माइनस 2 साइन 2π माइनस थीटा, 2π साइन साइन 360 माइनस थीटा क्या आता है माइनस 3 माइनस साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा। अब इसको क्या कर लेता हूँ मैं माइनस में लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ उसको साइन 2π माइनस थीटा, साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, इसको भी यही कर लिया, इसको भी यही कर लिया और इसको भी यही कर दिया, यानी 2π माइनस माइनस साइन 2π माइनस 1000a माइनस साइन 2π 1002 माइनस a माइनस साइन 2π माइनस 1998a। आ गया भैया, और इस a की वैल्यू क्या है, ये है ये क्या है 2π माइनस 1000a अपॉन, a की वैल्यू क्या है 2π अपॉन 199, ये कौन है यहाँ इसमें से इसकी एक क्रॉस में मल्टीप्लाई है और ये माइनस करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या आ जाएगा, ये बताओ ये 2π के दोनों ने कॉमन ले लिया 999 ये आ गया, और फिर ये जो है क्या इक्वल हो जाएगा, ये फिर इक्वल हो जाएगा a के, तो ये के 999 है, ये क्या आ जाएगा ये साइन 999 है, ये क्या जाएगा साइन 999 है, फिर ये साइन, फिर ये क्या जाएगा साइन 997, इस तरह ये करके आ जाता है। तो इसे क्या लिख सकते हैं इक्वल टू साइन 2a साइन 4a साइन 6a अप टू साइन 998a साइन, ये क्या जाएगा 99a साइन 99a साइन 997a, साइन 997a आ गया। अब टू साइन, अब टू साइन,
और ये साइन ए, ये रहा देखो साइन ए यहाँ से आएगा, साइन टू ए, साइन थ्री ए, इससे पहले क्या आएगा शुरू में, इस साइन ए साइन टू ए साइन थ्री ए साइन फोर ए साइन सिक्स ए, ये आ गया, ये सारा क्या इक्वल हो जाएगा, ये सारा इक्वल हो जाएगा क्यू के, ये सारे क्या क्या इक्वल हो जाएगा क्यू के, दैट इज मीन वी हैव टू की पावर 299 q p q is equal to q. If q not q 0 near q is equal to 0, then p is equal to kya aa gaya, ye aa gaya p ki value kya aa gayi, p is equal to 1 upon 2 ki power 299. देखो भाई क्या सवाल था ये, देखो ये सवाल था ई वैल्यू निकालनी है, कोस ए कोस टू ए कोस थ्री ए कोस फोर ए कोस नाइनटी नाइन डी ए इक्वल टू टू पाई अपॉन 1999. अब मैंने क्या कर लिया अपनी तरफ से, इसको पी को इसकी तरफ से पी को मान लिया, पी इक्वल टू कोस ए कोस टू ए कोस फोर ए अब टू कोस 999, और साइन को क्या मान लिया, साइन ए साइन टू ए साइन थ्री ए साइन फोर ए अब टू साइन 999 ए. अब इन दोनों क्या कर दिया मैंने, पी क्यू की मल्टीप्लाई कर दी, पी और क्यू की पी मल्टीप्लाई क्यू, क्या आ गया साइन ए कोस ए साइन टू साइन ए कोस ए, ये आ गया साइन 99 इंटू कोस 99 ए. अब इसका क्या कर लिया, पी साइन ए कोस ए टू साइन ए कोस ए, ये सब फॉर्म में रखे हैं ये, अगर इसे 2000 तक कहाँ तक के आइए 999, इधर 299 की इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 299 की 299 की बहुत साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, 299 आ गया, ये 2 यहाँ 2 अब 2 डिवाइड ये हिस्से करके यहाँ तक के 2 करते के 299, तो ये आ गया, ये आ गया. अच्छा अब ये साइन 2 आ गया कोस 2 है, ये आ गया. अब मैंने क्या करा कि अब इसके बीच में यहाँ तक के साइन 6 ए तक के साइन 998 दे दिया, इसमें से दे दिया 990 क्या गया साइन 998 के बाद क्या आएगा 1000 a 1000 2 a 1000 a, ये है 1000 a, क्या आएगा हटके बताऊँ, क्या है हटके हटके बताऊँ, ये कहाँ से आया देखो, ये आ गया साइन 1000 a, क्या कहते हैं ये साइन 1000 a. साइन इसके क्या कर सकता हूँ मैं, से साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन 2 पाई माइनस के थीटा, साइन इसको क्या कर सकता हूँ मैं, साइन 2 पाई माइनस थीटा, क्या आ गया साइन 2 पाई माइनस थीटा 1000 ए. लेकिन साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है, साइन ये है प्लस का चेंज हो जाएगा, तो शुरू में माइनस रख दिया ठीक. अब यह साइन 2 पाई माइनस 1000 ए, ए की वैल्यू क्या आ गई 2 पाई अपॉन 1099. अब के दो पाई दोनों में कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1000 अपॉन 1, ये क्या है 999 ए ए, ये क्या 9099 अपॉन और 2 पाई आई आर, ये सही है ठीक है सही. अब देखो इसकी 2 पाई और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, फिर ये इसकी वैल्यू फिर ए आ गई, ये आ गया साइन 9900 ए, ये क्या आ गया साइन 9900 ए, क्या आ गया इसकी वैल्यू साइन 9900 ए. अब ये साइन 99 ये माइनस क्या आ जाएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई के सारे प्लस हो जाएंगे छोड़ देंगे, साइन 99 ए आ गया, क्या आ गया साइन 99 ए. सिमिलरली अब इसको क्या करते हैं साइन 99 ए, इससे फिर एक कम आएगा, फिर आएगा साइन 99 साइन ए, फिर तो रही साइन ए, साइन बाद में क्या आएगा साइन ए, क्या आएगा बाद में साइन ए, ये आया साइन ए, इससे पहले क्या आएगा साइन 3 ए, फिर इससे पहले क्या आएगा साइन 5 ए. अब ये देखो साइन ए साइन 2 ए, अभी फिर साइन 3 ए साइन 4 ए साइन 5 ए,
अब इसको इकट्ठा करके ये सारा क्या बन जाएगा, ये सारा बन जाएगा Q. तो क्या आ गया, पी टू और 999 पी क्यू इज इक्वल टू क्यू, टू से क्यू कैंसिल, पी इज इक्वल टू 1/2 की पावर 9999 आ जाएगा. ठीक है भाई, इतना ही. अब देखते हैं जैसे साइन 18, साइन 18 की वैल्यू क्या होती है, साइन 18 की वैल्यू होती है √5/4. cos 18 की वैल्यू क्या होती है, √2 अपॉन 2. cos 36 अगर मुझे कहीं साइन 54 की निकालनी हो वैल्यू, साइन 54, तो इसे क्या लिखता हूँ, साइन 90 minus 36 equal to cos 36 equal to क्या जाता है, √5/1/4. ये साइन 54 की वैल्यू आ जाएगी. अब अगर इसी तरह से cos 54 की वैल्यू निकालना, साइन 90 minus 36 cos, साइन 36 की वैल्यू क्या आती है, वन अपॉन फोर आती है. ये जो है साइन, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 ये इसकी वैल्यू आती है. और फिर क्या है, टेन सेवन एंड हाफ यानी √3 minus √2 upon √2 minus 1. ये टेन सेवन एंड हाफ की वैल्यू, cot 7 and half डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इसकी होती है √3 plus √2
प्लस रूट टू अपॉन रूट टू प्लस वन। ये इम्पोर्टेंट वैल्यू है, इनकी कभी भी यूज होंगी तो इनकी वैल्यू जो है हम जो है कहीं भी निकाल सकते हैं। अगर साइन साइन 2.25 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो, उसकी वैल्यू आती है 2 माइनस 2 रूट 2 अपॉन रूट 2, चाहे 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2। ये इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं इनके एंगलों के, हाफ एंगल के, ये जो है जहाँ भी इस्तेमाल है हम इनको जो है डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसलिए उतार लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स ऑफ ऑल। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में फिर कंटिन्यू करेंगे आगे से, कोई प्रॉब्लम कोई ऐसी सिचुएशन हो वो पूछ सकता है नेक्स्ट टाइम। थैंक्स ऑफ ऑल।